योद्धाओं तीसरे दिन में आ गए हैं। मेहनत करते रहना है और डरना ही नहीं। सफलता एक दिन की परिणाम नहीं होती है, लगातार आज से अगर आप शुरू कर रहे हो तो अगले एक साल तक अगर लगातार मेहनत किया है तब जाके अगर आपको परिणाम मिले। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 3 महीने 4 महीने पढ़ाई करते हैं और उन लोग को लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अभी से लेके लगातार एक साल तक मेहनत करना है और वो भी बहुत ही हार्डली मेहनत करना है, तभी जाके आपको एक साल में सफलता मिलेगी। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, करते जाइए, डेली टास्क करते जाइए। इस वीक थोड़ा कम टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन अगले वीक से थोड़े से टारगेट थोड़े टफ होने शुरू हो जाएंगे और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दर्शन का जो नोट्स दिया था इस वीक का, वही टॉपिक रहेगा। उससे 4 क्वेश्चन दिए थे, आज फिर 4 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन हैं। आज आप लिखेंगे, सभी के सभी आज लाइब्रेरी आएंगे और सबको आना है। अपनी कॉपी लेके आइए, जो लिखे हैं वो भी, जो नहीं लिखे हैं वो भी आइए, और सबकी कॉपी हम लोग शाम को 6 बजे चेक करते हैं। और जो मैंने आपको केमिस्ट्री का नोट्स दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया है। हिंदी में जो मैंने लिखा है, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, तो तीव्र अभिक्रिया का जो रिएक्शन है AgO3 लिख दिया है, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, AgNO3 है। AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग। और दर्शन के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस वीक आप दर्शन को बार बार पढ़ते जाइए और तभी जाके वो याद होगा। कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि दर्शन हमको याद नहीं हो रहा है, तो इतनी आसान चीज़ नहीं है हमारा सिलेबस कि आप 2 बार पढ़ो और सिलेबस याद हो जाए, नहीं तो सभी को सेलेक्ट हो जाते हैं। बार बार पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो याद होगा। और अभी से शुरू करोगे तो 2-3 महीने बाद जाके याद होगा, वो भी तब जब आप रेगुलर उसको याद करने के लिए बैठोगे। इतना आसान नहीं है। अब आप लिखो कि विलोम शब्द के क्वेश्चन, सबसे पहला है आहूत, आसीन, इधर, ईश्वर, उग्र, उज्ज्वल, उत्कर्ष, उत्तम, उत्तेजित, उत्सुक, उदार, उद्धत, उदासीन, उद्भूत, उद्यमी, उन्मूलन, उपमेय, ऊपरी, उपसर्ग, उल्लास, ऊर्ध्वगति, ऋजु, ऋतु, ऋणी, एकत्र, एक्य, ऐश्वर्य, ओझा, कटु, कनिष्ठ, करुण, करुण, कवि, कसा, कंघी, कंवल, कटहल, कसेरा, कीड़ा, कूची, कपड़ा, कैंची, काजल, कोठी, खुजली, गाजर, गिरगिट, गला। ये तद्भव बताया है, इसका आपको तत्सम लिखना है। अभी तत्सम बता रहा हूँ, इसका आपको तद्भव लिखना है। पहला लिखना चटिका, चतुष्पथ, चतुर्दश, चौरिका, चर्मचटक, छुरिका, वातायन, यत्र, जम्बुल, जृम्भिका, जाड्य, याति, ज्ञान, टंकशाला, तिलक, स्थान, दंड। या तत्सम बताया है, इसका आपको तद्भव लिखना है। ये करने के बाद 2 पेज आज फिर पढ़ेंगे, तो टोटल पेज हो गया आपके पास आज मिला के 6 पेज।
पिछला चार पेज को भी एक बार रिवाइज करेंगे और दो पेज आज जो नए मिले हैं उसको भी बार बार पढ़ेंगे, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव दोनों में। इस तरीके से दोनों के छः छः पेज हो गए। इंग्लिश के लिए आज कोई नया टारगेट नहीं दे रहा हूँ, 20 रूल्स जो किए हो आप, जो नहीं किए हो कुछ लोगों के पेंडिंग है बता रहे थे, तो आप 20 रूल्स तक ही आज आप लिमिट रखो। जो नहीं हुआ है, जो नहीं किए हैं वो 20 रूल्स तक कर लें, आज एक्स्ट्रा टारगेट नहीं मिल रहा है। और उस जो कर लिए हो वो एक बार उसको रिवाइज करेंगे। ये इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का हो गया। और नेक्स्ट वीक से हम लोग छत्तीसगढ़ी को भी इसमें ऐड करेंगे, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी साथ में करेंगे। और दर्शन के चार क्वेश्चन मिलेंगे, उसको लिखिए, आज शाम को चेक करते हैं। और केमिस्ट्री का यूनिट वन आप पढ़िए, मैथ्स का कल आप एक यूनिट पढ़े होंगे उसकी प्रैक्टिस करिए। कल क्वेश्चन दूंगा, कल मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस टेस्ट कल मैथ्स का करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और लेक्चर जो है केमिस्ट्री यूनिट वन का वो ग्रुप में सेंड कर रखा है, उसको आप जरूरी, अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो देखो, नहीं तो मेरे नोट्स भी सफिशेंट हैं समझने के लिए। लेकिन अगर समझने की नहीं समझे हैं आप, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार कोई समझा देता है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। वो देखिए और उसको समझिए और चीज़ों को आसान करिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ, आज के लिए थैंक यू।